आपका कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सर? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बैंगन की सब्जी, आलू बैंगन का सालन, लेकिन ये बिल्कुल नए तरीके और नए स्टाइल से है और इसको आप जरूर ट्राई करिएगा और आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसको मेरा नहीं ख्याल के हमारे जो घर के मर्द हजरात होते हैं उनको पसंद होती है। तो इसको आप जरूर नए तरीके से बनाइएगा और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जरूर उनको पसंद। तो फिर टाइम जाए कि अगर शुरू करते जी, तो आज हम बनाएंगे आलू बैंगन, लेकिन आलू बैंगन हम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। सेम स्टाइल से जो है हम लोग खा के थक गए हैं और हमारे, तो इसलिए इसको जरा थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब घर में बहुत पसंद की जाएगी। ये देखिए, इसको आप लंबे लंबे बैंगन को जो है आप काट लें, आधा किलो आप बैंगन ले लें और उनको यूँ लंबे लंबे आप काट के इसको पानी में पेस्ट कर लें। और इसी तरह ही हम आलू जो है उनको भी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके उनको थोड़ा सा लंबा लंबा काट लेंगे। और टमाटर जाएंगे इसमें, आप टमाटर को बारीक कटिंग कर लें और एक उनको मीडियम साइज की प्याज जाएगी। मसाला जात में जो है हाफ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून जो है वो दादरी मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून आप साबित धनिया जो है वो जाएगा, 1/2 टीस्पून सौंफ जाएगी, 1/4 टीस्पून जो है वो रायता डल जाएगा और 1/4 टीस्पून काला नमक जाएगा। और दूसरा नमक जो है सिंपल नमक जो पिंक सॉल्ट हम यूज़ करते हैं वो आप हस्ब ज़रूरत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको शामिल करें। मैं इसके काले नमक के साथ सिर्फ 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक पाउडर जाएगा। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मसालों में पाउडर डालूँ। और 1 टीस्पून अभी यहाँ पे हमने जो है ऑयल लिया है, आप ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। फ्राई भी नहीं मैं करती, लेकिन आज आपको मेरे तरीके से जो मैं बता रही हूँ इसमें आपने ऑयल ज़्यादा रखी है जिसमें आपके आलू और बैंगन फ्राई हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है बैंगन को ऑयल में डालेंगे, ऑयल जब हीट हो जाए उसके बाद आपने इसको थोड़े थोड़े बैंगन करके इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल में इसलिए नहीं करना वरना बिल्कुल ही धनिया में घी भी हो जाता है जो खाया नहीं जाता और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल शैलो फ्राई करती हूँ, सिर्फ उसको एक इससे एक टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़े का हो जाता है जो आसानी से जिनको बैंगन नहीं पसंद वो भी खा सकते हैं। जो बैंगन है वो ब्राउन हो चुके हैं, उन्होंने कलर चेंज कर लिया है और उनको निकाल लेंगे। जी तो हमारे से बैंगन भी फ्राई हो चुके हैं और बैंगन के वैसे तो बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह की बनाई हुई किसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी नेमत ऐसी नहीं है जो बग़ैर फ़ायदे के इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजी हो। लेकिन बैंगन को अगर आप इसी तरीके से नमक लगा के फ्राई करें और अगर मोच आ जाए आपके पैरों में, तो आप या किसी के पैरों में मोच आ जाती है तो उसी वक्त इसको फ्राई करें नमक लगा के और मोच वाली जगह पे इसको मले तो आपकी जो दर्द है वो निकल जाती है। और इसकी सेकंड टिप ये है कि जिन लोगों को रेशा बहुत ज़्यादा होती है, बलगम वाली खांसी आती है, वो भी हफ्ते में 2 बार ज़रूर बैंगन का भरता या बैंगन का सालन बना के इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ी सी नरम होगी, सॉफ्ट होगी, तो इसके बाद आपने इसमें सॉस, ये देखिए ये आपने इसमें सॉस डालनी है। इसमें सॉस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और 1/4 जो है वह राई दाना डालना और धनिया पाउडर भी इसी वक्त आप इसमें इसको करें और फिर धनिया पाउडर भी डालना।
और जैसे ये हल्का सा ब्राउन होता है तो इसमें आप जस्ट फॉर टेस्ट के लिए आप इसमें लहसुन अदरक पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। धनिया की खुशबू सौंफ की खुशबू आने लग गई है अब साथ ही हम इसके अंदर और हमारा प्याज भी जो है वो हमने ब्राउन नहीं करना है इसको बस सौते करना है और इसके बाद आप इसमें जो हमारे बारीक कटे हुए टमाटर थे वो आप इसमें डाल देंगे। और इसके बाद आप हल्का सा इसमें पानी का 1/4 कप जो है आपने पानी डाल के इसको दम पे रखना है ताकि हमारे जो मसाला है वो अच्छे तरीके से टमाटर नरम हो जाए। देखिए हमारे प्याज और टमाटर जो है अच्छे तरीके से डल चुके हैं और खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है। इस वक्त आपने इसमें आज हमने ये फ्राई करके रखे थे अपने आलू और बैंगन वो आपने इसमें डाल देने, अपने काली मिर्च और धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च जो है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें ऑयल क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्राई किए हैं तो इसमें ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। अरे हमारे मसाले वाले आलू बैंगन जो है वो चंद ही मिनटों में बन के तैयार। यहाँ पे आप इसको हल्का सा बिल्कुल एक खाने के चम्मच के बराबर जो है आपने इसमें पानी डालना है और इसको थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रख देना है ताकि सारे मसाले जो है उसके अंदर अच्छे तरीके से रख जाए। और यहाँ पे आपने इस वक्त आपने नमक डालना है और नमक को आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर देना है कि आपको कितने नमक की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हम इस वक्त पिंक सॉल्ट डालेंगे और बिल्कुल दम वाली आंच करके हम इसको 4-5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे क्योंकि हमारे फ्राई होने की वजह से बैंगन भी अच्छे तरीके चुके हैं और आलू भी हमारे जो है अच्छे तरीके से अंदर तक जो है वो गल चुके हैं। तो इस मिनट के लिए सिर्फ हम इनको दम देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से अंदर तक रच जाए। जी ये देखिए ये हमारे बैंगन जो है मसाला बैंगन बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल नए और डिफरेंट स्टाइल से हमने आलू बैंगन आज बनाए हैं तो इंशाल्लाह आप जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी। उन वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपने रेसिपी ट्राई की है तो कैसी बनी और